संदीप बुटाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। तो आज गांव बुटाणा में हम आए हैं और ये को हवेली। अब ये अंदर से ये जैसे आले बने हुए हैं ये इसमें, ये देखो और ये दो हवेली हम इसके ऊपर भी चढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो ये पुरानी हवेली है, ये हमारे रवि काठपालिया जी हैं, ये हमें दिखा रहे हैं हवेली। और ये दो पार्टीशन है, ये बाद में बनाए गए या पहले भी थे ये? अच्छा अच्छा, ये दीवार तो बाद में बनाई, ये दीवार बाद की है। ये देखो जी, और ये देखो उस टाइम का नमूना देखो आप, कितनी बड़ी हवेली, कितनी बड़ी कलाकारी कर रखी है इन्होंने। और ये देखो यहाँ पर इन्होंने दो पोर्शन ये जी, दो पोर्शन साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा, और हम चलते हैं दूसरे पोर्शन में। ये देखो अंदर तक। अच्छा, ये उसी टाइम का ये टंगा हुआ है ये? अच्छा अच्छा, ये देखो भाई इसके अंदर ये देख सकते हो, जोड़ने के लिए भाई उस टाइम बच्चों के।
ये देख लो भाई, जो यहाँ से छोड़ के चले गए घोष मोहम्मद खानदान की, सभी को मैं ये कहूंगा भाई अपना, ये देखो इनका झूला ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये झूला देखो उस टाइम जो निजी सामान होता था अपने घर का, अच्छा वो अंदर रखते थे। अच्छा घर का निजी सामान इसके अंदर रखते थे। और ये देखो नीचे भी है, नीचे भी। अच्छा ये नीचे भी बोरे हैं, ये बना रखे हैं जो। अच्छा ये पैड़ियां हैं यहाँ से ये। अच्छा ये देखो ये छोटी छोटी, कितनी छोटी छोटी पैड़ियां हैं भाई, अब बड़ी छोटी छोटी पैड़ी हैं ये। और ये देखो भाई ये अंदर डिजाइन देखो, अलमारी को ना अगर दे इसमें दरा कर दे ये सारे आपका सामान। और ये देखो छोटे छोटे कुआड़ उस टाइम के अपना दिखाओगे। और ये देखो ये क्या है, ये मंदिर मंदिर के हिसाब से। अच्छा ये मस्जिद वगैरह या इनका कोई पूजा पाठ के लिए सामान रखने के लिए भी हो सकता है ये। हाँ ये खिड़की है भाई। और ये देखो ये इनकी टांड थी भाई, इसके ऊपर ये रखा करते उन टाइमों में। देख लो भाई पुराना कितना नक्काशी से बना रखा है ये, पूरा महल हवेली ये पूरी अच्छी बड़ी है ये हवेली। कितने गज में होगी या करीब आधा किला में होगी या ज्यादा, आधा किला से ज्यादा में है ये उनकी है जो अपने यहाँ से कहते हैं। ये बाद में सिद्धराम जी ने बनाई थी ये। अच्छा ये बाद में बनाई है उसके बाद में। अच्छा अच्छा एक बार पैड़ा में देखें ऊपर जाके ना, ऊपर से और ले लें एक बार, चलेंगे राम ते। अच्छा उधर पहले टूट रही है, मैं चढ़ा था उन्हें पता एक बार। अच्छा और चढ़ के आए थे हम, जो छत पे चलते आ जाओ। हाँ उस पास पर चलते आज। इधर से पैड़ी पूरी है ना। ये देखो वो कितना लंबा है यहाँ से हवेली। और ये मैं आपको अब इसका पूरा जो है बाहर से दिखाऊंगा इसको। ये देखो हम दोबारा आ गए हैं और ये एरिया है आप देखो भाई, गांव बुरटाना के अंदर ये हवेली है। और ये गांव में ये पूरी हवेली, ये इनका जो ऊपर चुबारा है। ये देखो भाई घुस मोहम्मद खान परिवार वालों भाई तुम्हारी हवेली है। और ये उर्दू में लिख रखा है यहाँ पे, जो पढ़ना है अपना पढ़ लेना। आपकी ये देखो भाई ये उर्दू में लिख रखा है, ये कोई भाई हमें पढ़ के बताया इसमें क्या लिख रखा है। ये देखो ये भी लिख रखा है यहाँ पे। तो चलो सभी दर्शकों का एक बार छत का और नज़ारा एक बार आपको दिखा देते ऊपर से। ये हमारी आज गांव बुरटाना से रवि काठपालिया जी ने हमारी बहुत मदद की है आज इस वीडियो को बनवाने में। तो हम और ये देखो एरिया भाई, ये आप देखो ये दोनों हवेली हैं। इसके यहाँ ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि जर्जर हालत में ही, और ये टूट सकते हैं, इसलिए आपको ऊपर से दिखाते हैं। और यहाँ से देखो सीधी दिखती है मस्जिद, ये है मस्जिद। और एक हवेली होती थी इस साइड में, डिप्टी साहब की हवेली इस साइड में थी, लेकिन अब वो हवेली नहीं है, घर बन गए हैं। यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, डिप्टी साहब की हवेली वहाँ होती थी, अब उसका डिज़ाइन ही अलग हो गया है, भीतर अंदर से पलट दिया है। उसका दरवाज़ा तो है, उसका फ़ोटो आपको ज़रूर भेजेंगे। और ये देखो ये मस्जिद है, और यहाँ से सीधा दिख रहा है ये। अच्छा ये चुबारा है, ये उनका बना हुआ उस टाइम का, देखो भाई। चलो तो आपने हमें ये दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये देखो भाई पाकिस्तान से आए थे हमारे गांव में उस टाइम, पुराना टाइम इनके दादा परदादा आए थे, ये आज बड़े खुशहाल हैं और अच्छी ज़मीनें हैं इनके और परिवार खुशहाली हैं। लड़के काम करते हैं जैसे बड़े उद्योगपति हैं, सभी बहुत अच्छा तरीके से गांव बुरटाना वाले सभी आपको याद करते हैं। आज भी जो भाईचारा है सबका बना हुआ है गांव में, सारे जितने भी समाज हैं सभी एकजुट होकर रहते हैं। पहले भी जैसे यहाँ का भाईचारा बहुत अच्छा रहा है, तो सभी जैसे दुनिया
में 27-28 देशों में हमारे देश के जो बुरटाना के जो आदमी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने गांव की मान मर्यादा को रखते हुए अपने वीडियो को पूरा रेट और भाव दें। और अपना गांव अगर किसी ने देखना है तो आप ज़रूर यहां गांव में आइए, आपको एक एक चीज़ दिखाई देंगे बड़े प्यार से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।